हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जनवरी का इतिहास भारतीय संदर्भ में। 26 जनवरी जो होता है, हम जानते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही भारत के अंदर 1950 में संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अलावा भी हमारे देश के अंदर 26 जनवरी के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम सिर्फ एक डेट को जानते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। एंड में अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो वीडियो की शुरुआत ही कर रहा हूँ, और इतिहास से अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो सबसे पहले अभी हम शुरू करने वाले हैं 26 जनवरी का जो इतिहास है वो। तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश के अंदर गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए पूरे देश में हम 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे को मनाते हैं। लेकिन इसको मनाने का जो आधार है वो 26 जनवरी 1930 में हुआ था। हुआ क्या था कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन उस समय 1930 में हुआ, और 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग की, और पूरे देश में स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया। चूंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, इसलिए ये जो था भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था, और इस दिवस को संजोए रखने के लिए, चूंकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 1949 को तैयार होने के बाद भी इसे 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? क्योंकि उसी दिन अगर तैयार हो गया तो हम अगले दिन से मना सकते थे या लागू कर सकते थे। लेकिन चूंकि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वराज्य के दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो हमारा संविधान बना, जो पूरे देश के लिए गणतंत्र एक तरीके से हम कहते हैं, पूरे संविधान पूरे देश के लिए लागू हुआ, तो उसे अमर बनाने के लिए उस दिवस को जो 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य के रूप में मनाया गया था, हमने 26 तारीख को संजोते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो था वो गणतंत्र लागू किया था। ये सबसे मुख्य कारण है 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू करने का, क्योंकि ये बहुत ही यादगार दिवस था पूरे देश के इतिहास में। अब हम समझेंगे कि जो 26 जनवरी के अलावा और भी क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारे देश के अंदर हुई हैं, वो हम देखते हैं। अब होता क्या है कि 26 जनवरी को बहुत सारे इतिहास हुए थे, लेकिन जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानते, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि केवल एक 26 जनवरी 1950 नहीं, बाकी बहुत सारी तिथियां ऐसी हैं जो कि आपके काम की है, आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर जो अगला दिवस है 26 जनवरी। दिवस तो वही है लेकिन डेट यहाँ पर जो है सर वो चेंज हो रही है। तो 26 जनवरी 1957 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1957 को यह संविधान जो था वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ, क्योंकि 7 साल यहाँ पे उसको लागू करने में लगे, वहां के बहुत सारी तत्कालीन परिस्थितियां अलग अलग थी, उसके अनुसार 26 जनवरी 1957 को ही ये जो था जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू हुआ। इसके बाद जो 26 जनवरी 1959 का दिवस है, इस दिन जो मद्रास आप लोग जानते हो, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु की राजधानी है। एक्चुअली तमिलनाडु का जो पुराना नाम था वो मद्रास ही था, बाद में मद्रास को 26 जनवरी 1959 को तमिलनाडु कर दिया गया, और पर्टिकुलर जो सिटी थी मद्रास उसे वहां की राजधानी बना दिया गया। और कुछ समय पश्चात, मतलब अभी हम कह सकते हैं कि ज्यादा पुराना नहीं है, इस मद्रास को चेन्नई नाम दिया गया, और चेन्नई आज मद्रास जिसे हम कहते हैं वो तमिलनाडु की राजधानी है। अब 26 जनवरी 1993 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1993 में बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा काम हुआ। इस दिवस को 26 जनवरी 1993 को सभी प्राइवेट बैंक जो हैं वो इसी दिन डेट को क्या हुआ था, मतलब ओपन नहीं हुए थे, लेकिन यह घोषणा की गई थी कि अब देश के अंदर प्राइवेट बैंक भी ओपन किए जा सकते हैं। पहले सरकारी बैंक ही देश में हुआ करते थे, लेकिन प्राइवेट बैंक जो बने वो इस डेट के बाद से बनना स्टार्ट हुए, क्योंकि इस दिवस को घोषणा की गई कि अब देश में निजी बैंकों का भी स्थापना की जा सकती है।
इसके बाद हम पास में चलते हैं 26 जनवरी 2001 को, 1913 के बाद 2001। 2001 बहुत ही दुखद घटना है। एक्चुअली मैं भी उस समय पढ़ रहा था, स्कूल में बैठा ही था। एक्चुअली 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात के अंदर बहुत ही भीषण भूकंप आया, जो भुज में आया था और पूरे भुज को तहस नहस कर दिया था। एक तरीके से लग रहा था कि इसे बसाने में सालों लग जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से 20 साल ही हुए हैं, लेकिन आप देखिए भुज तो जाके कभी देखिए, इतना डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी किस प्रकार से हो गया, यह वहां की सरकार ही बता सकती है। 26 जनवरी 2001 को भारतीय इतिहास का सबसे भीषण भूकंप गुजरात के अंदर आया था, और ये कभी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना भीषण था और कितने जाने कितने लोग मारे गए थे। तो ये 26 जनवरी का एक दुखद इतिहास भी हम कह सकते हैं। 26 जनवरी 1164 की बात करते हैं। 26 जनवरी 1164 के अंदर क्या हुआ था कि जो बीसल देव थे, बीसल देव ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी और दिल्ली को जीत लिया था। बीसल देव जो थे, इन्हें इतिहास में इतिहासकारों में मतभेद है, कभी कभी विग्रहराज द्वितीय तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ को भी यहाँ पे बीसल देव कह दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों की बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रकार से व्याख्या की है कि इनकी घटनाएं कोइंसिडेंट है या लगभग एक जैसी लगती हैं। तो बीसल देव, जिन्हें हम विग्रहराज द्वितीय तृतीय या चतुर्थ कहते हैं, उन्होंने दिल्ली को जीता था। विग्रहराज जो थे बीसल देव, इनके बेटे अनंग देव को पृथ्वीराज द्वितीय ने हराया था, और पृथ्वीराज द्वितीय ने हराकर फिर पृथ्वीराज तृतीय जो था वो पृथ्वीराज द्वितीय का बेटा था। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो इतिहास प्रसिद्ध चौहान वंश का शासक था, जो अजमेर पर जिसने शासन किया 1100, हम कह सकते हैं कि 91 और 1192 में जो तराइन के दो युद्ध हुए, तराइन के दो युद्ध 1191 में और 1192 में हुए, प्रथम और द्वितीय। तराइन के प्रथम युद्ध जो था उसके अंदर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हरा दिया था, लेकिन इस बीच में 1192 में जो है वो हार गया था मोहम्मद गोरी से। अब क्यों हार गया था, उसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। संयोगिता का नाम आपने सुना होगा, संयोगिता के पिता जो थे उन्होंने कह सकते हैं जयचंद, इतिहास में जयचंद क्यों फेमस है ही आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जो गद्दार होते हैं उनको जयचंद नाम दिया जाता है। तो जयचंद ने ही जो पृथ्वीराज तृतीय की जो खबर है वो मोहम्मद गोरी को दी, और उन्होंने उसे ऐसे कंडीशन में हराया जिस कंडीशन में तैयार नहीं था। और बाद में जिस जयचंद ने हेल्प की थी, सहायता की थी मोहम्मद गोरी की, उसको 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। उसके बाद वो जो संपूर्ण राज्य था वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश जो था वो, चूंकि वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसलिए उसने अपने वंश का नाम ही गुलाम वंश रख दिया, और बहुत लंबा वंश चला था। तो ये जो इतिहास है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, कभी आप पढ़िए। इसके बाद 26 जनवरी 1530 जो है वो मुगलों के लिए महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जो मुगल थे उन्होंने मुगल के जो प्रथम राजा थे, जिन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, अफगान थे इब्राहिम लोदी को हराया था, वो 26 जनवरी 1530 में उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। पानी पिया घर गया, बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़ा था, ऐसे बहुत सारी ट्रिक बनती, पानी पिया घर गया, चल दिया मर गया, ऐसा बहुत सब मुझे एक्चुअली याद नहीं है पूरे तरीके से, है ना। लेकिन 26 जनवरी 1530 में इन्होंने अपना देहत्याग किया था, मर गए थे, ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। देह त्यागना मुस्लिमों में शायद नहीं होता है, मैं अच्छा जानता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि कुल मिलाकर उनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी। और इसके बाद इनका जो बेटा था वो राजा बना था, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं जो था उसने 26 जनवरी 1539 तक राज्य किया अपने पिताजी के डायनेस्टी पर। उसके बाद 26 जनवरी 1539 को शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे जो हुमायूं था उसे चौसा के युद्ध में पराजित किया, चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया था। और इस शेरशाह सूरी ने ही जो सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क कहते हैं, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड टक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग उस समय कहा जाता था, ये पूरे पाकिस्तान से शुरू होकर पूरा कलकत्ता तक जाता था। आज भी जो NH1 है और NH2 जो है वो
इसी का ही भाग है, और NH1 का जो भाग है वो कुछ पाकिस्तान के अंदर जो जा रहा है वो भी इन्होंने बनवाया था, जिसको हम जीपी रोड कहते हैं। तो 26 जनवरी 1539 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एक जिसे हम कहते हैं चौसा का युद्ध उसके अंदर हराया था। और इसके बाद 1556 तक, 1554 के 55 तक इसने किसने शेरशाह सूरी ने राज्य किया। और 15 सालों के बाद पुनः क्या होता है, ये 26 जनवरी 1556 को जो एक्चुअली 1955 में वापस ये राजा बन गया था जिसको हम कहते हैं हुमायूं, और 26 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बड़ी ही दुखद बात है कि 26 जनवरी 1530 को पिता और 26 जनवरी 1556 को बेटे की मृत्यु हुई। और 26 जनवरी 1530 को हम कभी मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने इसके दुखद दिवस के रूप में मनाया जाता है, कुछ सालों तक दुखद दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन बाद में वो चीज खत्म हो गई। 26 जनवरी 1556 को बाबर का बेटा हुमायूं जो था वो भी अपनी वीरगति को प्राप्त हुआ था, और हम कह सकते हैं लड़ते हुए अगर प्राप्त हुआ था तो वीरगति, लेकिन यहाँ पर जो था वो सीढ़ियों से शायद लड़खड़ाते हुए ये मरा था कि इसके पिताजी मरे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो इतिहास है ये आगे काफी काम का है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।